कंगना तो भाई कंगना है, कंगना चमकेगी। हरियाणा वाला ना वो ज्यादा मनोरंजन करते हैं, वो मनोरंजन तो जरूर करवाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। कंगना रनावत तो सांसद है, आपको पता नहीं है इतनी बड़ी सांसद है, मुंह भी बिचारी का फ्लैप हो गया, अब आ गई मोदी जी के गोद में। मोदी जी के आने के बाद ही तो देश आजाद हुआ था, कंगना रनावत जी ने बोला नहीं था क्या? हाँ, ये 2014 के बाद कंगना रनावत भी इस देश में पैदा हुई है। अभी तो मोदी जी को भी पर्चा बांटना पड़ेगा हरियाणा में, वो नैया डूबने वाली है। अमित शाह जी बांटने पर, अमित शाह जी तो बांटते ही है। हरियाणा में अगर चने ना चब्बा दिए मोदी जी को तब पता ना, बिल्कुल भाजपा की तो सपना साफ, चपड़ा साफ, पूरा साफ, भाजपा पूरा साफ। 5 किलो राशन दो ना भक्तों को दो, जो गोबर भक्त है जो चाटुगिरी करते, हम चाटुगिरी नहीं करते, खुलकर बोलते हैं। अडानी अंबानी को अमीर से अमीर बना रहे, हम लोगों को गरीब पे गरीब बना रहे। अडानी अंबानी को पैसे से पैसा, हमारा सिलेंडर कहाँ? जो 400 का सिलेंडर था 800 में पहुँच गया, वो सिलेंडर कहाँ? 17 महीने तक उनको अभी तक यही पता करने में लग गया, सबूत कहाँ, सबूत कहाँ, सबूत कहाँ। 17 महीना हो गए, सबूत नहीं मिला अभी तक। निर्दोष साबित अभी कर देंगे जनता, अभी वो दोषी नहीं तो निर्दोष भी साबित। अरे तो जनता निर्दोष साबित कर देगी ना 2025 में, ठप्पा लगा कर, ठप्पा लगा कर, ठप्पा लगा कर। पर ये बताइए अभी इस्तीफा क्यों दे दिया जब 4 महीने बाद फिर मुख्यमंत्री बनना? अरे एक बार बताओ, लेडीज मुख्यमंत्री बन गई, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या? अरे तो पहले बनाते ना। नहीं, लेडीज मुख्यमंत्री बन गई तो आप सभी मीडिया वालों को दिक्कत हो रहा है क्या? देश में 50% महिला आबादी है, सीएम सर ने अपने जगह महिलाओं को अगर सीट दे दी। हाँ बिल्कुल, कंगना रनावत तो है, कंगना रनावत तो सांसद है, आपको पता नहीं है इतनी बड़ी सांसद है, मुंह भी बिचारी का फ्लैप हो गया, अब आ गई मोदी जी के गोद में। मोदी जी के आने के बाद ही तो देश आजाद हुआ था, कंगना रनावत जी ने बोला नहीं था क्या? ये 2014 के बाद कंगना रनावत भी इस देश में पैदा हुई है। अरे माननीय सांसद जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, कुछ महिलाओं के बारे में भी बोल लो। अरे कब बोलेंगे, कब बोलेंगे? उनको तो चिकन खाने से फुर्सत ही नहीं है, और वो बोलेंगे, आप कह रहे हो वो बोलेंगी, कब बोलेंगी? डिनर करने से फुर्सत नहीं है। घोटाला नहीं हुआ दिल्ली में शराब का? शराब का घोटाला होता तो कोर्ट क्यों बोल रहे हैं कि आप घोटाला के बारे में मत बोलना? क्यों नहीं बोलेंगे भैया? घोटाला के बारे में बोलने तो दो, क्या घोटाला हुआ? तो प्रोटोकॉल है ना, अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जेल पर आए हुए हैं, मेरी बात सुनो। घोटाला कब होता है? जब इंसान एक के दाम पे दो देता है, दो मिलता है, या तो एक पे एक फ्री मिला तो घोटाला कैसे हुआ? एक पे फ्री कैसे मिल गया? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्यों कहाँ से आया वो? कहाँ से आया? जो सामान खराब था वो तो फ्री हो गई। अब एक बार बताओ, नहीं वो गलत नहीं है, वो गलत है नहीं, वो कोई घोटाला नहीं है, घोटाला ही नहीं था, कोई घोटाला ही नहीं था, क्योंकि वो घोटाला इसलिए नहीं था, अगर घोटाला होता तो सबूत दिखाते, घोटाला होता तो कोर्ट में पेश करते। अरे आप लोगों को लगता है, अरे इन लोगों को लगता है कि 17 महीना एक घोटाले का सबूत ढूंढने में लग जाएगा, और वो सबूत कोर्ट से गुलाब बिल में गया हुआ पता नहीं। अरे बड़े बड़े दिग्गजों की बात कर रहे भैया, अभी तो मोदी जी को भी पर्चा बांटना पड़ेगा हरियाणा में, वो नैया डूबने वाली है। अमित शाह जी बांटने पर, अमित शाह जी तो बांटते ही है, पहले मिलेगा तब बताना, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। एक बार कंगना घुस जाएंगे हरियाणा, कंगना तो भाई कंगना है, कंगना चमकेगी। हरियाणा वाला ना वो ज्यादा मनोरंजन करते हैं, वो मनोरंजन तो जरूर करवाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट किसको मिलेगा? झांसी की रानी, कब से झांसी की रानी बनी? 2014 के बाद से, 2014 के बाद से झांसी की रानी बनी है। अरे भैया उनके बाद ही तो फिल्म बनती है। अब एक बात आपको पता ही होना चाहिए, 2014 के बाद ही गांधी जी आए हैं, 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, 2014 के बाद
बाद ही सारा काम हुआ है। उससे पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे, गोबर खा रहे थे। किसके? बीजेपी के गुलाम थे बीजेपी वाला। उससे पहले क्या कर रहे थे जरा उनसे पूछो ना कि किस तरीके से लोगों के साथ क्या क्या किया है। तो वो हम नहीं मानते, हम एक ही बात मानते हैं कि दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी लाल है और ये काम करेंगे और करेंगे बस। किसान आंदोलन में थी आप? वो तो कह रही है कंगना रनौत वहाँ पे रेप होता था। किसान आंदोलन में उन्होंने खालिस्तानी बनाया था और उसी किसानों ने उनको खालिस्तान से ऐसा भगाया कि एक एक खालिस्तानी से ऐसे भगाया कि उनका पूरा सपना साफ कर दिया। आपको तो कुर्सी छोड़ कर भागना पड़ गया। कहाँ से? दिल्ली से। और कहाँ? सड़क पे आ गए। सड़क पे, सड़क के लोग सड़क पे ही आए। टेंशन क्यों ले रहे हो? हम सड़क से, सुनिए, सड़क से उतरे हुए लोग हैं और सड़क पे आने में हमें शर्म नहीं है। जो सीट पे बैठे ना उन्हें सड़क पे बुला के दिखाओ तब हम मानते हैं। क्या 8 लाख का पर्दा? 8 लाख का पर्दा भूल गए? 15 लाख का जुमले भी भूल रहे हैं भैया। 15 लाख का जुमले भी अभी हमें बहुत अच्छे से याद है। 8 लाख का जब आपको पर्दा याद है, 15 लाख के जुमले कैसे भूल सकते हैं आप लोग भैया? महल गया शीश महल। तो 15 लाख कैसे भूल गए? गोदी मीडिया को मिल गया क्या 15 लाख? शीश महल भूल गए? 15 लाख मिल गया? 15 लाख मिल गया? 15 लाख किसको मिला? आप लोगों को मिला होगा, इसीलिए शीश महल का प्रचार कर रहे हो आप लोग। आज शीश महल में कौन बैठ रहा है? शीश महल किसके लिए बना है? जो सीएम उसके लिए शीश महल। आतिशी जी बनी आतिशी शीश महल में बैठेंगी। जो बनेगा वो बैठेगा अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल नहीं है। शीश महल सीएम का है। क्या मिला? 5 किलो राशन या पानी? मुझे ये धूप मिला, ये पसीना मिली और जो आप लोग मिले वो मिला है। मुझे तो इसी से खुशी है। 5 किलो राशन से खुशी नहीं है। 5 किलो राशन तो ना भक्तों को दो जो गोबर भक्त है, जो चाटुगिरी करते। हम चाटुगिरी नहीं करते, खुलकर बोलते हैं। दिल्ली में बिल्कुल भाजपा की तो सपड़ा साफ, चपड़ा साफ, पूरा साफ, भाजपा पूरा साफ। भाजपा को ये डर है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी कैसे छूट गए। एक सांसद तो जिता नहीं पाते दिल्ली में। अरे सांसद छोड़ दो, हमारे दिल्ली के लोग बड़े भोले भाले, वो सोचते हैं केंद्र में मोदी जी को रहने दो, हम दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं। बता रहे दिल्ली की जनता बिल्कुल भोले वाले है। हमारे को जब नहीं जानते दिल्ली की जनता, बिल्कुल नहीं जानती। जानती है अपने अधिकारों के बारे में, जानती है अपने अधिकार, जानते हैं अपने हक, जानते हैं अपना काम कराना, जानते हैं। किसी अडानी किसी अंबानी को नहीं जानते। तो मतलब ये अडानी अंबानी को लेकर सहारा बना रहे हैं और अडानी अंबानी को अमीर से अमीर बना रहे हैं, हम लोगों को गरीब पे गरीब बना रहे हैं। अडानी अंबानी को पैसे से पैसा। हमारा सिलेंडर कहाँ? जो 400 का सिलेंडर था 800 में पहुँच गया, वो सिलेंडर कहाँ कहाँ गए? सरकार आप फ्री में करवा लो। दिल्ली में हमारी सरकार है लेकिन सिलेंडर किसके हाथ में है भैया, बता दो जरा। मुझे पता नहीं है, आप बता दो। बिजली पानी? अरे आप बता दो। बिजली पानी तो फिर हमारे हाथ में, तो हम फ्री करवा दिए। सिलेंडर किसके हाथ में है भैया? हरियाणा में चुनाव में आप लोगों को एक लहर मिलेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन जेल से बाहर आए ना, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए उसी दिन से लहर तैयार है और वो लहर है केजरीवाल का। वो लहर है, देखो भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। वो तो खुद भ्रष्टाचार का आरोप में जेल में। अरे तो आरोप दिखाओ ना मीडिया वाले भैया, आप लोगों के पास आरोप कहाँ? पर्चा दिखाओ मुझे, मैं पर्चा तो देखूँ, कम से कम देखूँ तो उसमें ले कहाँ आरोप साबित हो रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इन लोगों पे कितना बार नालत भेज दिए कि भाई उनको पटकार लगा दिए। क्लीन चिट भी मिलेगी, क्लीन चिट भी मिल जाएगी तो बेल तक। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीएम तो यही है, नाम की बना दिया आतिशी, फैसले तो केजरीवाल ही लेंगे सारे। तो क्या करना चाहिए? आपके घर में आप हो और आप किसी और को बनाओगे कि अपने भाई को बनाओगे? भाई जिसका घर है उसको तो चलाना है। पूरी दिल्ली सीएम सर चाहे कितने बार इस्तीफा दे, दिल्ली का सरकार के दिल में सीएम अरविंद केजरीवाल है और वो अरविंद केजरीवाल जी सीएम हम लोग के दिल में रहेंगे। वो घर का देख लो, सीएम केजरीवाल ही है अभी भी। बिल्कुल हम लोगों के लिए है, हमारे लिए उनका घर खुला है। हम अपने घर में अरविंद केजरीवाल जी को बुला रहे हैं सभी दिल्ली वाले। अगर
अरविंद केजरीवाल जी सारे सुविधा छोड़ दिए, हम अपना घर उनके लिए हमारी कुटिया में अरविंद केजरीवाल जी का वेलकम है। अच्छा आप कह रही हैं कि केजरीवाल जी हरियाणा के बेटा, अभी हरियाणा में चुनाव होने वाला है, कितना इम्पैक्ट छोड़ेंगे हरियाणा में? अभी आज आप लोग यहाँ देखो जंतर मंतर में, इसके बाद आप लोगों के यहाँ का इफेक्ट पता चलेगा हरियाणा में। हरियाणा में अगर चने ना चब्बा दिए मोदी जी को, तब पता ना कि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा का लाल है, हरियाणा का बेटा है। अरे आपको तो छोड़ के नेता जा रहे हैं सारे। अरे मेरी बात, कुमार आनंद ने कितने आरोप, मेरी बात सुनिए आप, राजेंद्र पाल गौतम आरोप लगा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, हमारे नेता जो छोड़ के जा रहे हैं ना, जो जो लोहा दब, जो लोहा तपता है वो लोहा निखरता है, जो तप रहा है इस पार्टी में रह के वो यहां